तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम PSTG कॉइन के रिगार्डिंग और क्रिप्टो कार्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे विड्रो लगाया था और विड्रो लगाने के बाद उनका PSTG कॉइन तो यहाँ से विड्रो हो चुका है और कोई नहीं लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और ट्रस्ट वॉलेट प्लस आपका जो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है ट्रोलिंग एप्लीकेशन, इसके जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे विड्रो किया है तो उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जरूरी है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे जो हमारा PSTG कॉइन है इसका फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको और न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बताते चलें कि जो आपका PSTG कॉइन है और PST है, PSTG प्लस आपका PSTG दोनों डिफरेंट कॉइन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी सेम कॉइन नहीं है। ना ही आप PSTG को दोबारा क्रिप्टो कार्ड में यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए और ना ही उसे कन्वर्ट कीजिए PSTG में। जो आपके पास पड़ा है उसे तो मजबूरी है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो आपके पास नहीं है उसे आपको ट्रस्ट वॉलेट में ही रहने दीजिए या आप प्रोवेट एक्सचेंज में यहाँ पे ले जाइए। तो अब चलते हैं, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके थ्रू आपके इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसके बाद हम आपको PSTG कॉइन की बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमने PST टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में विड्रो किया है उसका क्या, ठीक है। क्वेश्चंस ठीक है, उसे ले लेते हैं पहले। देखिए, जिन लोगों ने भी यहाँ पे विड्रो कर लिया है उनकी तो यहाँ पे एक तरीके से निकल पड़ी है, क्योंकि PST जो कॉइन है, PST की लिमिटेड यहाँ पे सप्लाई रखी गई थी, सर्कुलेशन सप्लाई तो अभी 4.2 बिलियन है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सर्कुलेशन सप्लाई है वो इसकी रखी गई है 5 बिलियन, ठीक है। तो 5 बिलियन जब रखी गई है तो 5 बिलियन तकरीबन पूरा होने वाला था, इसलिए यहाँ से PSTG कॉइन हटा दिया गया है और PST को लाया गया है। और PSTG कॉइन की यहाँ पे रखी गई है सर्कुलेशन सप्लाई और मैक्सिमम सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे $1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन। तो ये क्वेश्चन आपका सही है, आप कुछ भी मत कीजिए, जो आपके पास पड़ा है वो आपका अलग है और PSTG कॉइन आपका अलग है, ठीक है। अब दूसरा कॉइन यहाँ पे है कि पीयर टू पीयर B2B यहाँ पे एक्सचेंज पे क्या ये रजिस्टर हो चुका है, तो हमने आपको एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन, उस वेबसाइट पे आप जाइए और सबसे पहले वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसे रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपका यस है। लेकिन एक लोगों का यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आया है कि ब्रो PSTG को एक्सचेंज कब कैसे कर सकते हैं, तो इसका आपको आगे हम आंसर दे देंगे कुछ टाइम में, जैसे ही यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही रजिस्टर होता है तो आपको बताएंगे कैसे यहाँ पे एक्सचेंज करना है इसे और किस कॉइन में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना इसका प्राइस है, प्राइस भी आपको बता देंगे, आज का टुडे का जो प्राइस था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जो हमने विड्रो कर लिया है PST यहाँ से क्रिप्टो कार्ड से या क्लाउड अर्निंग एप्लीकेशन से ट्रस्ट वॉलेट में, उसका क्या। तो PST और PSTG कॉइन अलग अलग है, उसको आप अलग रखिए और इसको आप अलग रखिए, ठीक है। जो PST कॉइन है उसकी 5 बिलियन रखी गई थी मैक्सिमम, तो 4.2 बिलियन लोगों ने यहाँ पे माइनिंग कर ली है और आगे का आपको उसे अलग रखना है, क्योंकि वो कॉइन आपका अलग है और वो कॉइन जो आपका PST कॉइन है उसे तकरीबन यहाँ पे बाइनेंस वगैरह में रजिस्टर किया जा रहा है, आपको सबसे पहले ये बता दें। अभी कुछ दिनों पहले ही, 1 से 2 वीक पहले यहाँ पे न्यूज आई है निकल के, जैसे ही यहाँ पे उसका कंप्लीट हो जाता है बाइनेंस में तो उसका प्राइस इंक्रीज होना तय है PSTG कॉइन का। तो अब चलते हैं आगे, एक सजी का क्वेश्चन आया है कि भाई ट्रस्ट वॉलेट से क्रिप्टो कार्ड एप्लीकेशन PSTG क्या दोबारा डिपॉजिट करके हम PSTG कॉइन में कन्वर्ट करें, तो ये एक बहुत ही गलत होगा, आप ऐसा मत कीजिए। जो भी आपका पड़ा है PST उसे आप अलग रखिए और जो PSTG कॉइन है वो आप अलग रखिए, ठीक है। जो आपका PST कॉइन है उसको आप अलग रखिए और PSTG कॉइन को आप अलग रखिए, इसका आपका कोई भी यहाँ पे मेल नहीं है, दोनों कॉइन अलग रखे गए हैं, उसकी आपको हम आगे चल करके बताएंगे। क्योंकि जो PST कॉइन है, PST कॉइन को बनाया गया है बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन के बेस पर, और जो PSTG कॉइन है इसको बनाया गया है ट्रॉन बेस के, ट्रॉन कॉइन के थ्रू, ट्रॉन के रिगार्डिंग। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट में PST, अब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था तो सभी को बताया था कि आपको PSTG का एड्रेस डालना है, PST का एड्रेस नहीं डालना है और आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का नहीं डालना है, ट्रोलिंग एप्लीकेशन का डालना है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे नहीं समझा और ट्रस्ट वॉलेट का जो PST एड्रेस था वो डाल के यहाँ से विड्रो कर दिया है। अब आप 36 अब उसका वेट कीजिए और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आती है तो आप हमें यहाँ पे, हमारा मेल शो रहा है, मेल के थ्रू आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, या तो आपका कैंसिल हो जाएगा या आपका रिफंड आ जाएगा। तो अब चलते हैं जो आपका PSTG कॉइन है उसके रिगार्डिंग
क्या उसकी माइनिंग वगैरह है और क्या उसकी सप्लाई रखी गई है, कब से उसे बनाया गया है, कहाँ उसे एक्सचेंज किया गया, क्या उसका प्राइस है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो PSTG कॉइन है इसकी तकरीबन लॉन्चिंग डेट अभी वो जुलाई 2021 है। जुलाई 2021 में इस कॉइन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आप इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, तो मैक्सिमम सप्लाई अगर आप देखेंगे तो इसकी 1 ट्रिलियन रखी गई है। और अब आप देखेंगे सर्कुलेशन सप्लाई, तो सर्कुलेशन सप्लाई का आपको बता दें, जिनके पास भी PST पड़ा था, PST के थ्रू आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया PHTG कॉइन में, ठीक है। अब जो आपके PHTG आपके पास पड़ा है उसको आप क्या करेंगे, किसी एक्सचेंज पे ले जाएंगे, तो वही आपकी हो जाएगी सर्कुलेशन सप्लाई, वो सभी लोगों की वहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई होने लगेगी। और जो यहाँ पे माइनिंग रखी गई है आप माइनिंग करते जाइए और यहाँ से विड्रॉ करते जाइए। अब यहाँ पे मार्केट करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो मार्केट करंट प्राइस आज का जो PHTG कॉइन का मार्केट करंट प्राइस था वो आपको बता दें, USDT में बताते हैं आपको 0.00041, ठीक है, 0.00041 USDT था इसका करंट प्राइस है इसका। अब टोकन स्टेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो सिंबल अगर आप देखेंगे तो इसको PSTG में रखा गया है। वहीं अगर आप इसकी ब्लॉकचेन देखेंगे तो ट्रॉन बेस से बनाया गया है। हमने आपको बताया था कि जो आपका PHTG कॉइन है इसे ट्रॉन बेस बनाया गया है, और आपका PHT कॉइन है इसे बिटकॉइन सेम बनाया गया है, बिटकॉइन के सेम, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं टोकन टाइप, तो इसे TRC10 टोकन टाइप रखा गया है ट्रॉन में, और टोटल सप्लाई तो 1 ट्रिलियन है इसकी। अब इसकी यहाँ पे बताया गया है कि टोकन फीचर्स क्या है, तो टोकन फीचर्स ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन रखा गया है, इसका नाम ही PHTG, जी का मतलब ग्रीन है, ठीक है, पॉइनियम ग्रीन। और इसके अलावा यहाँ पे रखा गया है CO2 ऑफसेट वार्निंग और स्टैकिंग। उसके बाद आप रजिस्टर, अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आए कि रजिस्टर किस एक्सचेंज पे है, तो रजिस्टर के रिगार्डिंग हमने आपको लिंक दे दिया, वहाँ पे आप जाइए और आप देख पाएंगे उस वेबसाइट पे इसे रजिस्टर किया जा चुका है, ठीक है। और रजिस्टर वॉलेट, तो रजिस्टर वॉलेट यहाँ पे ट्रो लिंक एप्लीकेशन को रखा गया है, ना कि ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को। तो आप ट्रो लिंक में यहाँ पे विड्रो कीजिए, जैसे ही आपका ट्रस्ट वॉलेट या किसी भी एप्लीकेशन में न्यू में आता है तो हम आपको यहाँ से न्यू वीडियो के थ्रू आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको इन कॉइन्स की न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो मेरे हिसाब से तो सभी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी का भी क्वेश्चन यहाँ पे बच जाता है तो वो आप हमें यहाँ पे मेल से हो रहा है, मेल के थ्रू आप बता सकते हैं और कमेंट के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।